हेलो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन जेईई मेन 2024 में पूछा गया था। यह क्वेश्चन रोटेशनल मैकेनिक्स से है। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। अ सॉलिड सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 50 केजी रोल्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर सो दैट इट्स सेंटर ऑफ मास हैज स्पीड 0.4 मीटर पर सेकेंड। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वर्क डन ऑन द डिस्क इज टू स्टॉप इट इज। क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि कोई एक डिस्क है, ठीक है। इस डिस्क का मास दिया हुआ है, कितना मास है? 50 केजी, ठीक है। और साथ ही में इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी दिया हुआ है। इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इस तरह से मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा यह गया है कि अगर इस डिस्क को रोक दिया जाए तो रोकने में कितना वर्क डन लगेगा। तो जो एनर्जी में चेंज आएगा वही वर्क डन हमें करना होगा। एनर्जी में कितना चेंज आएगा, ये मूव कर रहा है तो इसके पास अभी कौन सी एनर्जी है? इसके पास अभी काइनेटिक एनर्जी है। अगर हम इसे स्टॉप कर देते तो इसका काइनेटिक एनर्जी जितना था उतना ही वर्क डन निकलेगा। बेसिकली हमें क्या निकालना है, इसके पास जो अभी काइनेटिक एनर्जी है वो निकालना है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे, देखिए काइनेटिक एनर्जी दो तरह के इसमें होगा। ये कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशनल का प्रॉब्लम है, ठीक है, CTRM का। तो एक तो होगा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस एक होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम सिंपली लिख सकते हैं हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, प्लस रोटेशनल कैसे लिखेंगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इस ओमेगा को वी के टर्म में लिख सकते हैं। अगर प्योर रोलिंग होता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे जैसे है वैसे ही एज इट इज उतार दीजिए, हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास प्लस हाफ आई। आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई टू। और इसे कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा को वी सेंटर ऑफ मास स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा को, वी इक्वल टू आर ओमेगा वाले रिलेशन से, ठीक है। यहां से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल आउट हो गया। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, यहां से देखिए ये मास सेम ही है, हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास स्क्वायर प्लस 1/4 एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, यहां से लिखेंगे हाफ प्लस 1/4 और जो कॉमन से बाहर निकाल लीजिए, हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। इसे करेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे तो इतना हो जाएगा ये 2 + 1/4 और मास कितना है 50 केजी और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना है 0.4 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 3, ये 50 और ये 0.4 का 0.16 हो जाएगा स्क्वायर डिवाइड बाई 4। इन सबको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद 6 जूल आएगा, जो करेक्ट आंसर है 6। यहाँ हमें क्या फिल करना होगा, 6। ये न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन था, ठीक है, होपफुली सबको समझ आया होगा।